धन्यवाद। आज हमारे स्टूडियो में पधारे हैं आर्टिस्ट राजेश पंडित। थैंक यू सो मच। राजेश का बहुत नाम सुना है हमने कि बहुत अच्छे अच्छे काम किए इन्होंने, तो इनका हम अपने स्टूडियो में आने के लिए धन्यवाद कहते हैं। राजेश जी धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर आपका। तो आपने पहले क्या क्या काम किए? देखिए मेरी जो जर्नी स्टार्ट हुआ एक प्ले से हुआ, एक नाटक से हुआ। मैंने 5-6 नाटक किए हैं 2 साल तक मुंबई में। वहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर सीरियल सावधान क्रांति टोल ये सब करते आए हैं और आप लोगों के बीच में भी हैं। चलिए अच्छी बात है। तो मैंने सुना है कि आप एक वेब सीरीज जो सीरियल है वो कर रहे हैं आप, जिसका नाम है ड्रामेबाज फैमिली। बिल्कुल सही है, आपने सुना कि ड्रामेबाज फैमिली मैं कर रहा हूँ और एक उसमें गट्टू का कैरेक्टर निभा रहा हूँ। क्या जो एक नौकर कैरेक्टर है, बहुत कैरेक्टर माइंड ब्लोइंग जो कहते हैं, फनी टाइप का कैरेक्टर वो है। बहुत अच्छी बात है। ये कॉन्सेप्ट किस टाइप का कॉन्सेप्ट है? फुल कॉमेडी है, इसमें लोग कॉमेडी हैं, परिवार जो कैरेक्टर जितने भी हैं उसमें सब पूरी के पूरी कॉमेडी है। फुल कॉमेडी, फुल आपको बहुत आपको हंसाएंगे, गुदगुदाएंगे, रुलाएंगे भी और एंटरटेनमेंट भी करेंगे, क्योंकि इसलिए नाम इसका फैमिली ड्रामा। चलिए अच्छी बात है। तो इसमें मतलब कैसे आपकी जो को आर्टिस्ट हैं जो कर रहे हैं काम, किस तरह का आपका एक्सपीरियंस क्या है? बड़ा कमाल के को आर्टिस्ट हैं सर लोग, जितने भी बड़े प्रोफेशनली हैं वो लोगों का अच्छे अच्छे काम करके आए हैं और अजन्ना तरीके से काम करते लोग। और खास करके ये कि कब टाइम मिल जाते हैं लोगों के साथ खुद में खुद नहीं पता चलते हैं। जब 8 बजे हम लोग आते हैं शूट पे उसको 10 बज जाते हैं, कब खत्म होता खुद मुझे पता चलता है। बहुत अच्छी बात है। तो राजेश जी एक अहम सवाल आपसे पूछ रहा हूँ कि मैंने सुना है कि आपके सपने बहुत बड़े हैं, आप इंडस्ट्री में कुछ अपने आप से कमिटमेंट है आपकी कि कुछ आप बहुत बनना चाहते हैं? देखिए जितने भी एक्टर इंडस्ट्री में आते सबका एक सपना होता है कि मैं कुछ अच्छी करूँ। किसी का उस लेवल नहीं पहुंच पाते कि बीच में उनकी उचार विचार जो होते हैं उतार चढ़ाव होता है वो लोग नहीं कर पाते, उस तरीके से मेहनत नहीं करते, वो लोग पीछे रह जाते हैं। जो व्यक्ति अगर पूरे कंटिन्यू उस शिद्दत के साथ लगे रहते उसको कामयाबी मिलता है, अवश्य मिलता है, जरूर मिलेगा उनको। कहने का मतलब कि जुनून, एक जुनून होना इंडस्ट्री में खास करके जुनून होना बहुत जरूरी है कि आपके पास जितना पैसन और जुनून हो उतने आपको कामयाबी ऊंची मिलेंगे आपको। चलिए बहुत अच्छी बात है। राजेश जी आपसे मुलाकात करके आप हमारे स्टूडियो में आए बहुत अच्छा लगा, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप जाते जाते एक हमारे जो आर्टिस्ट हैं, जो नए आर्टिस्ट हैं या जो नए नए इस फील्ड में कदम रखते हैं, उनके लिए कुछ आप एक टिप्स दे जाइए। देखिए मैं टिप्स ये देना चाहूँगा कि इंडस्ट्री माने से पहले आप इंडस्ट्री को जान लो, इंडस्ट्री में जो सीख लो कुछ अच्छे अच्छे ग्रुप ज्वाइन करो जहाँ कि आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिले, उसके बाद आप इंडस्ट्री में कदम रखो, आपको बहुत कुछ सीखने मिलेंगे। अच्छे अच्छे कास्टिंग डायरेक्टर से आप संपर्क में करो, अच्छे अच्छे प्रोडक्शन हाउस में जाओ, आपको कई बार बीच में मिलते हैं कि मैं एक फिल्म बना रहा हूँ तो इसमें लीड हीरो या हीरोइन, वो सपना में कभी मत पड़े। 10-20 हज़ार वाले वो लोग कभी जिंदगी में कामयाबी होते हैं, उनके पीछे प्लीज कभी मत भागे। एक अच्छे प्रोडक्शन हाउस में जाएं जहाँ कि आपको कुछ मंजिल मिले, आपको नाम शोहरत हर चीज मिलेंगे अच्छे लेवल पे जाने के बाद। धन्यवाद राजेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो आने के लिए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने यहाँ हमें बुलाए इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सर आपका भी। धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू।